हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है तो ज़्यादा बेरिश लग रहा है, तो ऑलरेडी हम लगभग आज 5% प्लस का लॉस देख चुके हैं। नीचे से थोड़ा सा रिकवर होके 32,990 पे बंद हुआ है, लगभग 33,000 के अराउंड, लगभग 1450 पॉइंट हम नीचे बंद हुए, 4% लॉस के साथ। तो इस वीक की शुरुआत जो है तो अच्छे खासे गैप डाउन के साथ हुई है, थोड़ा सा नीचे से रिकवर हुए हैं हम, मगर यहाँ बेरिशनेस जो है तो वो कंटिन्यू रह सकती है। अभी बैंक निफ्टी के लिए ये लगभग होगा छठा हफ्ता अगर हम नेगेटिव में बंद होते हैं। तो लास्ट वीक हमने लगभग 5.5% के लॉस देखा था, इस वीक हमने शुरू में ही 5% का लॉस एक ही दिन में दिखाया यहाँ जो है। तो बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बेरिश लग रहा है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत नीचे के लेवल आ सकते हैं अगर हम मेजर लेवल तोड़ देते हैं। तो जो मेरा टारगेट था 32,500 का, वो अचीव हो चुका है। अगर उसके नीचे स्लिप करते हैं तो हमें जो है तो लगभग 31,000 से लेकर 31,100 से लेकर 30,000 के टारगेट जो है तो वो भी पैनिक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ एज पर वीकली चार्ट जो है तो बहुत ही बेरिश लग रहा है, और लॉन्ग टर्म करेक्शन जो ड्यू था वो हो रहा है, और हम जो है तो जो 200 वीक का एवरेज है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो 30,000 पे सिचुएटेड है। तो उसको टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जा रहा है, और मुझे लगता है कि वहाँ से ही हमें बाउंस बैक या फिर जो है तो उसके टच करने के बाद कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। वहाँ से ही थोड़ा सा मार्केट में जो है तो वहाँ बेस बनना शुरू होगा मेरे हिसाब से। अगर वो टूट जाता है तो डीपर करेक्शन, अगर न्यूक्लियर वॉर सही में होता है तो हम डीपर करेक्शन जो है तो 23,000-24,000 के भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, मगर बहुत ही बुरा होता है तो मार्केट जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी होती है, या फिर न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए जो करेक्शन का टारगेट है वो लगभग 30,000 से लेकर लगभग 28,500 के वहाँ जो है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म बॉटम बना लेगा। और वहाँ जिन्होंने भी पिछली रैली मिस की थी तो उनको जो है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए बैंक निफ्टी में, या फिर बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक है उनमें थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देना चाहिए इस लेवल पे जब बैंक निफ्टी आएगा तब, या फिर बैंक निफ्टी 20 में भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, या फिर SIP शुरू कर सकते हो जब बैंक निफ्टी 30,000 या उसके नीचे जाता है। तो आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैंक निफ्टी में SIP शुरू कर देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 3 से 5 साल के व्यू के साथ। तो वीकली चार्ट पे बेरिश लग रहा है, और यहाँ जो टारगेट दिख रहे हैं हमें वो 31,100, और उसके बाद में जो है तो 30,000 के जो टारगेट है वो बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने सभी टारगेट जो है तो एक ही झटके में अचीव कर लिए। हम जो है तो हर रोज गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं, तो यही दिखाता है कि जिस तरह से जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में वो कितना है। हम गैप डाउन खुलने के बाद भी नीचे गिरते हैं, तो इसका मतलब जो है तो जो बेचने वाले है वो भाव नहीं देख रहे, जो भी भाव मिलता है उस पर निकल रहे वो मार्केट से। यहाँ जो है तो अभी एक लास्ट सपोर्ट था जो 32,500 का था, अगर उसके नीचे जाते हैं हम डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो वहाँ से फ्री फॉल शुरू हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और जो जैसे मैंने कहा आपको कि 31,100 से लेकर 30,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये जो टारगेट है ये शायद एक दो हफ्ते में ही हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो जैसे हम वो लेवल तोड़ देंगे फिर से मार्केट में जो है तो पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, वहाँ बहुत सारे मार्जिन कॉल भी ट्रिगर होंगे रिटेलर के, तो ये सभी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ जो है तो 32,500 का लेवल आपको एज अ लक्ष्मण रेखा लेकर चलना है, वहाँ उसके ऊपर जो है तो बाउंस बैक आने की संभावना है। बाउंस बैक भी आया तो वो आएगा लगभग 34,700 तक ही आएगा, 700-800 तक, वहाँ भी फिर से आपको बेचने के मौके मिलेंगे। तो यहाँ अगर आपको सेल पोजीशन लेनी है तो वो बनानी है 32,500 के नीचे ही, उस सिनेरियो में आपको एक 500-600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 31,100 और उसके बाद में 30,000 का, और ये टारगेट आप एक वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ऊपर बाउंस बैक आता है तो हम बाउंस बैक में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकता है 34,700 से 800 के लेवल की तरफ। उस लेवल पे आता है तो आपको फिर से बेचने की सोचना है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो अगर रिकवरी आती है और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो इंट्राडे में ही लॉन्ग कीजिए, लॉन्ग बिल्कुल कैरी मत कीजिए। आपको कैरी करना है तो शॉर्ट ही कीजिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो कर पाते हो तो। यहाँ जो है तो छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उनके लिए सलाह रहेगी दूर रहिए मार्केट से, वेट एंड वॉच कीजिए।
ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी, अगर 32,500 का लेवल टूट जाता है तो फिर आपको वही पुट ऑप्शन लेना है इन द मनी का 32,500 का, उसमें सेम स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 33,000 या 33,100 का लेवल टेस्ट करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर ही निकल जाना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी 31,100 या फिर उसके भी नीचे जाता है तो उसमें आपको 2x to 3x गेन देखने को मिलेंगे उस ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम 32,500 के पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे, दोनों कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी। अगर हमें लगता है कि रिकवरी आने की तो वही हम कॉल ऑप्शन जो है तो उसको बाय ऑन दिस स्ट्रेटजी यूज करके उसमें भी सेम 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे अगर लॉन्ग साइड में करना है तो, और वो भी सिर्फ इंट्राडे में, उसको कैरी नहीं करेंगे। अगर कैरी करना है तो पुट कर सकते हो या फिर फ्यूचर शॉर्ट करके जा सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली आने की पॉसिबिलिटी बहुत लो लग रही है मुझे, हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं ऑन वॉर फ्रंट, अगर वो होता है तो हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मार्केट में कोई शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली अगर मार्केट नीचे गिरा भी नहीं तो आप जो है तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में यहाँ से जो है तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही, क्योंकि यहाँ विक्स बढ़ा हुआ है और उसके वजह से जो है और रिस्क जो रिस्क एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस होगा। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग जो है फ्यूचर्स में उसकी वजह से मार्केट को पुशअप मिले, वो आता है तो हम इंट्राडे में लॉन्ग करने की सोचेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मगर उसके भी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। तो हम या सेल ऑन राइज रखेंगे और जैसे 32,500 का लेवल टूटता है तो वहाँ से हमें लगभग 2,000-3,000 पॉइंट का फिर से डाउन साइड जो है तो ओपन होते हुए दिखता है बैंक निफ्टी में। और ऑप्शन ट्रेडर जो है तो वही स्ट्राइक प्राइस पे फोकस कीजिए, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसी कॉल को लेकर चलिए, आपको उसमें अच्छे खासे गेन देखने को मिलेंगे। अगर पुट साइड पे होता है तो वहाँ भी आपको जो है तो 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्हें जो है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जो है तो अच्छा खासा मुनाफा मिला होगा आज। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.